हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल नए तरीके से कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कद्दू लिया है। तो कद्दू आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके बड़े पीस ही रखे हैं कद्दू के। ये लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो ऑयल को अच्छी तरीके से पहले गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है तो अब इसमें एक चम्मच के लगभग जीरा ऐड करेंगे। जीरा भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से तड़क चुका है। तो अब इसमें मैं राई डालूंगी थोड़ी सी। जीरा डालने के बाद मैंने थोड़ा सा और जीरा ऐड किया था और उसके बाद राई ऐड करने के बाद इस तरीके से मैंने पूरे कद्दू डाल दिए हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल जैसे भंडारे में सब्ज़ी बनती है उस तरीके का इसका टेस्ट आएगा। तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके से अच्छी तरीके से कद्दू को मिक्स कर लेना है। और इस टाइम मैंने इसमें मेथी का तड़का नहीं दिया है। अगर आपको मेथी डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेथी अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी में तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने भी इस टाइम स्किप किया है। तो कद्दू अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस ऐड करने से पहले सबसे पहले इसमें इस तरीके से कैरी डाल देंगे। तो आपको कैरी और कद्दू को पहले ही पका लेना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी क्योंकि पहले ही कैरी का अच्छी तरीके से जो भी होगा अच्छी तरीके से जो कद्दू है उनमें मिल जाएगा रस जो कैरी का होता है, खट्टापन जो होता है कैरी का। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कैरियों को भी मिक्स कर लिया, कच्चा आम को भी मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच के लगभग इस टाइम मैंने नमक लिया है। तो नमक को मैंने इस तरीके से डाल दिया है। तो इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और आपको ध्यान रखना है कद्दू पकाते टाइम उससे कद्दू और कैरी को आपको एक साथ ही पकाना है ताकि जो कैरी का खट्टापन है वो कद्दू में अच्छी तरीके से आ सके। तो अब इसको ढक के दोनों चीज़ों को पहले पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच के लगभग। तो लाल मिर्च पाउडर डालनी है तो आप देख सकते हैं फुल मैंने आधी चम्मच इस टाइम ली है, आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। ये मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आपको जितनी लेनी है आप उतनी ले सकते हैं। तो इस टाइम मैंने 3 से 4 कप आप देख सकते हैं जो चीनी के चम्मच होती है वो मैंने आप देख सकते हैं चीनी ली है। तो अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और तो सबसे पहले तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आप इसका टेस्ट कभी भी नहीं भूल पाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये खट्टी मीठी तीखी सभी टाइप का इसका इसमें टेस्ट आएगा अच्छी तरीके से। तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही कम टाइम में भी बन के तैयार हो जाती है ये केवल आपकी 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। तो एक बार इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करके कमेंट करके बताएं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पानी है वो भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है इसमें कद्दू में। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।